गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दी यूनिक क्रिएटर। सो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्टडीज़ में हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और उसी वीडियो में दोस्तों मैंने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक सीरीज बनाई है जिसमें हम ऑलरेडी दो वीडियोस को कवर कर चुके हैं। और दोस्तों उसी वीडियो के पार्ट में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आपके सामने इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर आपको दिखता है, यानी कि जब भी आप किसी ट्रांसफॉर्मर जब भी आप किसी सबस्टेशन से या पावर स्टेशन से गुजरते हैं, या आप कभी रोड में भी देखा होगा जो आपके ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं, तो आपको इस टाइप से ट्रांसफॉर्मर दिखता है। तो दोस्तों इस टाइप के जब भी आपको ट्रांसफॉर्मर दिखता है, तो उसके बाहरी साइड में, यानी कि जो आपको बाहर से ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, उसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, साथ के साथ ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो कि अगर मेन पार्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो दोस्तों मेन पार्ट्स जो होते हैं वो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा द मैग्नेटिक कोर। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट की वीडियो में भी बता चुका हूँ। थर्ड पार्ट दोस्तों जो मेन पार्ट होता है वो होता है इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग, यानी कि हम वाइंडिंग्स को इंसुलेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फोर्थ मेन पार्ट होता है वो होता है टर्मिनल्स एंड टर्मिनल बुशिंग्स। तो दोस्तों जो फिफ्थ मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा टैंक एंड ऑयल। वैसे दोस्तों टैंक और ऑयल दोनों अलग अलग पार्ट हैं, बट अगर हम इसे एक सिंगल वे में कंसिडर करें दोस्तों, तो टैंक के अंदर ही ऑयल हमारा इमर्स होता है, इसलिए हम एक पॉइंट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं कि टैंक एंड ऑयल जो हमारा फिफ्थ पार्ट है। सो इन दोस्तों इन वन बाई वन हम पूरे फिगर के साथ इन्हें डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों जब भी आपको ट्रांसफॉर्मर कोई दिखता है, तो बाहरी साइड से जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मेन पॉइंट से, जो कि फर्स्ट मेन पॉइंट है हमारा, वो होता है हमारा मेन टैंक। दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो आपका सेंटर में, यानी कि जो आपके मेन पार्ट्स जो है आपका, उसे मेन टैंक कहा जाता है, जो कि आपका सेंटर में होता है ट्रांसफॉर्मर के, किसी भी ट्रांसफॉर्मर के बॉडी में। दोस्तों जो मेन टैंक होता है, इसके अंदर आपका ऑयल फिल रहता है और उस ऑयल के अंदर आपकी वाइंडिंग्स फिल रहती हैं, जो कि दोस्तों बेसिकली आपके म्यूचुअल इंडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फ्लक्स को प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों मेन टैंक के बाद क्या होता है, आपका मेन पार्ट जो होता है वो होता है टैंक कवर। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके मेन टैंक को कवरिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि ये आपके टैंक के लिए कवर होता है। दोस्तों जो हमारा थर्ड मेन पार्ट होता है वो होता है ड्रेन ऑफ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ से आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो दोस्तों ड्रेन ऑफ क्या है, ये एक तरह से आपका टैप है, यानी कि एक तरह से नल लगा हुआ है। जब भी आपके जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम ऑयल यूज़ करते हैं दोस्तों, जब उस ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जब उस ऑयल का जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है वो ख़राब हो जाता है, तो उसे चेंज हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों उसे चेंज करने के लिए जब हम उसे निकालते हैं, तो तब ये जो आपका ड्रेन ऑफ या वॉल्व है, ये जो टैप है, ये तब काम आता है, इसलिए इसे ड्रेन ऑफ वॉल्व कहा जाता है। अगला जो मेन पार्ट है दोस्तों वो आपके है कूलिंग ट्यूब्स। दोस्तों जो आपकी कूलिंग ट्यूब्स होती हैं, इन्हें एक बहुत ही खास शेप दी जाती है, और इसका रीज़न दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि इसे एक अलग से शेप दी जाती है। दोस्तों होता क्या है बेसिकली, जैसा कि आपको पता है कि मेन टैंक के अंदर हमारा ऑयल होता है, और उस ऑयल के अंदर हमारी वाइंडिंग्स जो है वो इमर्स रहती हैं, यानी कि वाइंडिंग हमारी डिप होती है। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है वो 24/7 जो हमारी लोडिंग पे होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहती हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स हैं वो गर्म होती रहती हैं, वो हीटअप होती रहती हैं, और उसी वजह से जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो भी हीटअप होता रहता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के गर्म होने से क्या होता है कि हमारा मेन टैंक जो है वो भी हमारा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों उसे कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए इन ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, और इन ट्यूब से दोस्तों जो हमारा आपका ऑयल है वो सर्कुलेट होता रहता है। साथ के साथ दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये होलो ट्यूब्स होती हैं, यानी कि इनकी जो शेप है वो होलो बनाई जाती है, इनमें थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में। तो दोस्तों जब इनके बीच में एयर निकलती है, यानी कि इनके बीच से जब एयर पास ऑन होती है, तो वो आपके ऑयल को ठंडा कर देती है, ऑयल को कूल कर देती है, इसलिए इन जो ट्यूब्स का नाम है इन्हें कूलिंग ट्यूब्स कहा जाता है। तो दोस्तों कूलिंग ट्यूब्स के बाद जो हमारा अगला मेन पार्ट है वो है लो वोल्टेज बुशेज। वैसे दोस्तों ये बुशेज होते हैं, ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बुशेज दोनों होते हैं, बट यहाँ पे फिगर में लो वोल्टेज बुशेज को ही शो कर रखा है। दोस्तों जो लो वोल्टेज बुशेज जो होती हैं, ये बेसिकली आपके जो ट्रांसफॉर्मर है उसे प्रोटेक्शन का काम करती हैं, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब आपको पता है कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है, जो उनके कनेक्शन हमें ट्रांसफॉर्मर से बाहर लेके आने पड़ते हैं, तो दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के जो कनेक्शन है वो आपके ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक के साथ ना अटैच हों, ताकि जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक की या कोई ट्रांसफॉर्मर में डैमेज के चांसेस ना हो। इसलिए दोस्तों इन बुशिंग का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर से जो है वो आपकी वायर को निकाला जाता है, ताकि आपकी जो ट्रांसफॉर्मर की जो वायर्स हैं, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन है, वो आपके मेन टैंक से इंसुलेट रहें। इसलिए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बुशिंग का यूज़ किया जाता है। बोला मेन पॉइंट होता है आपका, मेन पार्ट होता है वो है ब्रीदर। तो दोस्तों ब्रीदर जो है वो आपका कंजर्वेटर टैंक के साथ अटैच रहता है, और इसका मेन काम जो होता है दोस्तों, ये आपके इन्वायरमेंट से एयर को सक करता है। अगला जो मेन पार्ट है दोस्तों वो आपका है कंजर्वेटर टैंक। तो दोस्तों कंजर्वेटर टैंक जो है आपका वो मेन टैंक से अटैच रहता है, और दोस्तों मेन टैंक की तरह ही जो कंजर्वेटर टैंक में भी आपका ऑयल इमर्स रहता है, लेकिन दोस्तों ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये आपका ऑयल से हाफ फिल रहता है, यानी कि इसे पूरी तरह से
से फिल नहीं किया जाता। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये आपका ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट की स्लाइड में बताया दोस्तों। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो डॉट 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 आपके लगे हुए हैं, ये आपका ऑयल है, जिसके अंदर जो आपकी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग आपकी इमर्स हो रखी है। तो दोस्तों ये आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, और दोस्तों ये आपका मेन टैंक, जैसा कि मैंने आपको लास्ट की स्लाइड में बताया कि आपके मेन टैंक के साथ आपका कंजर्वेटर टैंक जो है वो अटैच रहता है। दोस्तों जो आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक जब अटैच रहता है, उसके बीच में आपकी एक बकल्स रिले लगाई जाती है। बकल्स रिले दोस्तों बेसिकली आपके ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसके ऊपर मैं आपको अलग से अच्छे से पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि बकल्स रिले का क्या काम होता है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर का मेन पार्ट्स में से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करता है आपको ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका कंजर्वेटर टैंक है वो आपका हाफ फिल रहता है, यानी कि पूरी तरह से उसे ऑयल से फिल नहीं किया जाता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ से हाफ फिल आपका है। तो दोस्तों कंजर्वेटर टैंक के बाद जो ब्रीदर है, ब्रीदर का यूज़ किया जाता है, जो यानी कि जो आपकी ब्रीदर है जो कि एनवायरनमेंट से एयर को सक करता है, वो कंजर्वेटर टैंक के साथ अटैच होता है, और वो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में इस इमेज में देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थे ट्रांसफॉर्मर के कुछ मेन पार्ट्स। आई होप कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों ध्यान रहे कि नेक्स्ट की वीडियो में हम बात करने वाले ट्रांसफॉर्मर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है बकल्स रिले, जिसके बारे में कंप्लीट वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि बकल्स रिले का क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो, तब तक के लिए गुड।